गाइज आजकल स्त्री यानी कि औरतों को बाल झड़ने का सबसे बहुत बीमारी चला है, जिसको दूर करने के लिए इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे जानकारी मिलेगा। गाइज भारत में कितने व्यक्ति गाय पोसते हैं, जो कि गाय पोसते हैं वह भारत में कितने पोसते हैं जिनके लिए गायों के लिए घर बना हुआ है अलगा अलगा, तो घर बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ठंडे बरसात में उन गायों को रखने के लिए। भारत में कितने ऐसे घर बने हुए हैं मैं बताता हूँ कि 200 मिलियन गायों के लिए घर बना हुआ है, यानी 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़ घर बना हुआ है गायों के लिए। गाइज कौन सा जीव जंतु है जो कि एक छोटा सा कंकर को नहीं पचा सकता है, लेकिन वह एक लोहे को खाकर पचा देता है, उस जीव जंतु का क्या नाम है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस जीव जंतु का नाम है मगरमच्छ। मगरमच्छ है जो लोहे को खाकर पूर्ण रूप से वहाँ पचा देता है, जैसे कि कोई व्यक्ति भोजन खाया है और पूर्ण रूप से पचा देता है, उसी प्रकार मगरमच्छ लोहे को खाकर पूर्ण रूप से पचा देता है। गाइज ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में सुनामी उठता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सुनामी का अर्थ क्या होता है? सुनामी पूर्ण रूप से कितना आ सकता है, उसका सबसे हाई आने पर क्या हो सकता है? मैं आपको सारी जानकारी देता हूं कि अगर सुनामी समुद्र में आ जा रहा है, कि जैसे कि लहर आता है उस प्रकार सुनामी यानी कि भूकंप जिसे समुद्री भूकंप कहा जाता है, अगर आ जा रहा है तो पृथ्वी पर भी आकर समुद्री सुनामी पृथ्वीवासी को भी तबाह कर सकता है, इतने बड़े सुनामी खतरनाक होते हैं। मेरा एक वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। गाइज क्या आप किसी के चेहरे को पहचानने के लिए अपने सर को किस बगल करते हैं, दाएं या बाएं घुमाकर किसी के चेहरे को पहचानते हैं? एक ऐसा सवाल है, जी हाँ एक ऐसा सवाल है जो कि आपको अद्भुत लगता होगा। मैं बताता हूँ कि आप किसी के चेहरे को देखने के लिए या पहचानने के लिए अपने सिर को दाएं तरफ को सिर को करना पड़ता है, तभी आप अधिकतर लोग दाएं तरफ ही करते हैं चेहरे को किसी को पहचानने के। आप अपने बुखार का यानी कि जब आपको फीवर लगा हुआ है उसको कम करने के लिए दवाइयों से यानी कि मेडिसिन से अधिक कौन सा यानी कि फल या कुछ है जो कि कारगर होता है? आयुर्वेदिक मामले में बताया जाता है कि नींबू को तेल अगर आप सर पर लगा रहे हैं तो आपको बुखार बहुत शांत होगा और आप बहुत फुर्तीले महसूस करेंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति को अधिक दिन से फीवर होता है वह सुस्त हो जाता है, उसी प्रकार आप अगर तेल लगा रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी फुर्ती महसूस होगा, क्योंकि बैक्टीरियों को नींबू का तेल मारता है, इसलिए बहुत जल्दी आप फुर्तीले हो सकते हैं। मेरा एक वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइज कभी कभी कहा जाता है कि आप लोगों को या हम लोगों को जो आँख होता है आई उस थकावट यानी कि दुखता है, कभी कभी लगता है कि मैंने कोई अधिक काम जैसे कि मोबाइल पर लैपटॉप या ऑफिस में काम अधिक कर दिए हैं, मेरा आँख है जो कि रेस्ट मांग रहा है, आराम मांग रहा है, ऐसा अगर आपके पास प्रतिदिन हो रहा है तो इसने बचने के लिए कौन सा फल खाए? आप संतरा का फल प्रतिदिन एक खा रहे हैं तो आप कितना भी काम करें मोबाइल लैपटॉप या ऑफिस में तो आपका आँख जो आई आपका दर्द नहीं करेगा। और वहाँ गाइज सबसे यानी कि सबसे पुराना वृक्ष कितने वर्ष तक है? आप लोग हम लोग कहेंगे कि सबसे पुराना वृक्ष लगभग 100-150 साल तक वह वृक्ष हो सकता है सबसे पुराना वृक्ष, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में एक अब तक वृक्ष है जो कि अब तक वहाँ जिंदा है, वहाँ सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया है कि वहाँ 4700 वर्ष पुराना वृक्ष है जो कि अभी तक जिंदे ही है। वृक्ष जो बतख के बच्चे होते हैं वह जैसे कि बतख बोलता है, वह आवाज लगाता है, वह जैसे कि उसका आवाज बहुत गुनगुन करता है, लेकिन क्या जो बतख के बच्चे होते हैं उसका आवाज क्या सुनाई आपको देता है? क्या वो बोल सकता है? क्या वो गुनगुना सकता है? नहीं, बत्तख के बच्चे कभी नहीं गुनगुना सकते हैं, यानी कि जब तक वह कुछ सियाना नहीं हो जा रहे हैं तब तक नहीं बोल सकते हैं, नहीं गुनगुना सकते हैं। मैं आपको पहले वीडियो में कितना बार बता चुका हूँ कि बिल गेट्स के बारे में बहुत अधिक जानकारी दी है, मैं एक भी और जानकारी देना चाहता हूँ कि बिल गेट्स अपने 13 साल की अवस्था में मात्र वह कंप्यूटर प्रोग्राम को पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, और कंप्यूटर प्रोग्राम को पढ़ने के बाद वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्तियों में गिनती होने लगे। इनके लिए आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं। मेरे वीडियो को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको पहले वीडियो में
कितना बार बता चुका हूँ कि बिल गेट्स के बारे में बहुत अधिक जानकारी दी है। मैं एक भी और जानकारी देना चाहता हूँ कि बिल गेट्स अपने 13 साल के अवस्था में मात्र वह कंप्यूटर प्रोग्राम को पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, और कंप्यूटर प्रोग्राम को पढ़ने के बाद वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्तियों में गिनती होने लगे। इनके लिए आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं। मेरे वीडियो को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल स्त्रियों को बाल यानी कि जो बाल है वह सिर का सबसे अधिक झड़ रहा है, या आजकल बहुत यह प्रक्रिया चल रहा है कि सिर का बाल स्त्रियों को अधिक झड़ रहा है। इससे कैसे बचें? मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप स्नान करने के पहले 1 घंटा पहले कोई भी ठंडा तेल जैसे कि आंवला वगैरह का जो तेल है आप स्नान करने के पहले 1 घंटा पहले लगा ले और उसके बाद स्नान करें शैम्पू वगैरह से मिक्स कर, इससे आपका प्रतिदिन करने से आपका बाल नहीं झड़ेगा। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।